हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ने से इंसान खुद संवरता है और अल्लाह की रहमतें उस पर नाजिल होती हैं। उलमा ने लिखा है कि दरूद अल्लाह की बारगाह में एक दुआ है जो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की जाती है। ऐ अल्लाह, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतों का नज़ूल कर। तो कोई ये दुआ मांगे कि अल्लाह अपने नबी पर रहमतों का नज़ूल कर, तो क्या अल्लाह ताला उसकी ये दुआ कबूल नहीं करेगा? तो दुरूद हर सूरत में कबूल है। तो इसका जो फ़ायदा हुआ कि जिसने एक मरतबा हुजूर के लिए अल्लाह की बारगाह से रहमतों की दुआ मांगी, तो उसके मांगने से महबूब अलैहिस्सलाम पर कितनी रहमतों का नज़ूल हुआ वो तो अल्लाह जानता है। या जिस महबूब करीम पे नुज़ूल रहमत होता है वो जानते हैं, लेकिन जो हाथ उठा के दुआ मांगे, जो हाथ बांध के दरूद पढ़े, एक मरतबा दरूद पढ़ने से अल्लाह की 10 रहमतें उस पर नाजिल होती हैं। तो जो मुसलसल दरूद पढ़े जा रहा है तो फिर रहमत की बरसात होती है उसके ऊपर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहां भी हो मेरे ऊपर दरूद पढ़ो, तुम जहां भी दरूद पढ़ते हो वो मेरे तक पहुंचता है। सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, दोपहर पढ़ो, दिन को पढ़ो, रात को पढ़ो, नमाज से पहले पढ़ो, नमाज के बाद पढ़ो, महफिल के आगाज में पढ़ो, महफिल के दौरान पढ़ो, महफिल के इख्तिताम पे पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो, घर में पढ़ो, जहां भी मेरे ऊपर दरूद पढ़ोगे, जैसे भी मेरे ऊपर दरूद पढ़ोगे, फरमाया मेरे तक पहुंचता है। हर शख्स ये चाहता है कि मैं हुजूर की कुर्बत पाऊं, हुजूर का कुर्ब मुझे मिले। और अगर किसी के सीने में ये आरजू नहीं है तो उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं। ये मेरी भी आरजू है, गुनाहगार होने के बावजूद आरजू है, आपकी भी आरजू है। आरजू तो की जा सकती है, चूंकि कर्म होते देर नहीं लगती, वो जिस पे चाहे कर्म फरमाए। तो अगर कुर्बत हासिल करनी है तो फिर उसका तरीका क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन मेरे सबसे नेड़े वो होगा जो सबसे ज्यादा मेरे ऊपर दरूद पढ़ता है। तो जितना दरूद हुजूर पे ज्यादा पढ़ोगे कयामत के दिन, उस कदर हुजूर की कुर्बत नसीब होगी और हुजूर की चादर रहमत की ठंडी छांव मिलेगी, जामे कौसर नसीब होंगे। और जहां हुजूर होंगे वहां कयामत के दिन की सख्तियां नहीं होंगी, वहां दामने महबूब की ठंडी हवाएं होंगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम पर कसरत से दरूद पढ़ना यकीनन ये दुखों को दूर करने का इलाज है और ये दुनिया आखिरत की बेहतरियों की जमानत है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जो इमाम अबू दाऊद ने अपनी सनद से रिवायत की है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स मेरे ऊपर सलाम भेजता है तो अल्लाह ताला मेरी रूह मेरे अंदर लुटा देता है, यहाँ तक कि मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। रूह अतहर जस्द अनवर में लुटा दी जाती है और हुजूर सलाम का जवाब देते हैं। तो मुझे कायनात में कोई एक लम्हा तो ऐसा बताओ जिस लम्हे हुजूर पे सलाम ना पड़ा जाता हो। वहाँ रोज़ा रसूल पे चले जाएं तो वहाँ लम्हा लम्हा सलाम के गजरे हैं। कायनात के जिस गोशे में चले जाएं दरूद व सलाम के जो हैं वो गजरे हैं। तो कोई एक लम्हा भी 24 घंटों में ऐसा नहीं है कि जब हुजूर पे सलाम ना पढ़ा जाता हो, और जब सलाम पढ़ा जाता हो तो हुजूर की रूह अतहर बदने रहमत में होती है और हुजूर सलाम का जवाब देते हैं। और जिसको हुजूर सलाम का जवाब दे दें, अल्लाह अकबर, कि दरूद पढ़ा करो, दरूद हुजूर अलैहिस्सलाम से जवाब का जरिया है। और जब जवाब जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब से आ गया तो दुनिया में भी भला ही भला है, आखरत में खैर ही खैर है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मेरे ऊपर दरूद न पड़े, वो कायनात का सबसे बड़ा बखील, सबसे बड़ा कंजूस है। हम बखील तो नहीं हैं। तो फिर पूरी यकसुई के साथ चंद मरतबा हुजूर पे दुरूद पढ़ें।